72 महिलाओं के साथ हो रहे हैं, क्या कुछ कर आपने जो प्रश्न किया है वास्तव में बड़ा विकट प्रश्न है। महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं, वो किसी भी जाति वर्ग की महिला हो, ऐसी घटना बिल्कुल जघन्य अपराध है। और उसके लिए मैं तो जहां भी मुझे सूचना मिलती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग की महिला हो, यदि किसी महिला के साथ कहीं पर भी अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है, तो मैं तत्काल वहां पर जाकर के उसको न्याय दिलाने की कोशिश करती हूं और समाज को इस मानसिकता, इस घृणित मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। और इसके लिए हमें हमारे अंदर स्वतः ज्ञान होना चाहिए और जागरूकता की भी बड़ी जरूरत है समाज। मैडम, अभी 17 मई 2018 को जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जब दलितों के साथ में इसको जजमेंट आता है तुरंत लागू कर दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो DUPT है उससे अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, जो ये तुगलकी फरमान, उसको मैंने पूरे देश की मीडिया के सामने कहा कि ये बहुत गलत था, ये तुगलकी फरमान है। और हम लोग कमीशन की तरफ से, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही ये फरमान आया, हम तत्काल महामहिम राष्ट्रपति को मिले, तत्काल भारत के प्रधानमंत्री जी को मिले और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम इस पे अध्यादेश ला करके इस कानून को जैसे पहले था वैसे ही बना करके रखेंगे। मैडम, अभी आयोग से बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पे आयोग, ऐसे आयोग खड़ा नहीं उतर रहा है, क्योंकि वहाँ शिकायतें जाती हैं, वहाँ फाइलें जाती हैं, वहाँ फाइलें वापस कर दी जाती हैं और उनको बिगर काम का वापस कर दिया जाता है, उन पर गलत तरीके से उनको इस तरीके से बोला जाता है। नहीं, ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है। आयोग से उम्मीद जरूर है, सबकी उम्मीद है, पूरे दबे कुचले समाज की उम्मीद है आयोग से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोग उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है। आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो पिछला आयोग था, जो आयोग लगातार 10 वर्षों तक इस देश में काबिज रहा, उस आयोग के जमाने से अभी तक जब हमने ज्वाइन किया तो 51,000 से ज़्यादा फाइलें लंबित पड़ी हुई थी और अब लगभग वो फाइलें कम होकर के 40,000 के लगभग फाइलें अब लंबित है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी हमारे यहाँ फाइल लंबित थी, जो जेन्युइन केस थे, हम लोगों ने उनको खोल करके लोगों को न्याय दिलाया है और हम निरंतर यदि किसी भी अनुसूचित जाति के भाई बहन की कोई भी समस्या है तो वो आयोग में किसी समय भी आ सकते हैं और किसी समय हमारे किसी भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर से मिल करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं, बोल सकते हैं। और यदि जो प्रश्न आपने किया है, कोई ऐसी घटना रही होगी, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो बंद करना जरूरी होता है, जिन पे कुछ तथ्य नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी फाइलों को यदि आयोग बंद करता है तो आयोग कमीशन के अधिकार में है और निरीक्षण करके, परीक्षण करके, पूरी जांच करके फाइलों को बंद करता है। ऐसे ही कोई फाइल बंद नहीं करता है। यदि कोई केस बंद हुआ होगा, मेरे संज्ञान में बात नहीं है, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ बात होगी, लेकिन लोग प्रयास करते हैं कि हम समाज को न्याय दिलाए। मैं निरंतर उस न्याय के लिए प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद।